हेलो गाइस वेलकम टू लाइफ स्टडी सो टुडे वी विल गो थ्रू माय नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस तो एक लैंग्वेज क्या होती है लैंग्वेज होती है सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसमें सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है किसी लैंग्वेज की हेल्प से ठीक है लैंग्वेज में क्या आते हैं कुछ सिम्बल्स आते हैं ठीक है कुछ रूल्स होते हैं उसको लिखने के लिए ठीक है और कुछ कीवर्ड्स होते हैं ठीक है जैसे हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं ए बी सी डी ये क्या करेक्टर्स है? हैं है? इनको हम कंबाइन करके कुछ वर्ड बनाते हैं ठीक है फिर वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं ठीक है जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल ठीक है तो इससे क्या हमने क्या एक सेंटेंस बना दिया तो ये क्या है हमारी एक लैंग्वेज है जिसका हम बताने का, का काम करें कि राम क्या करें स्कूल को जा रहा है ठीक है तो हमारे कंप्यूटर मतलब में क्या होते हैं कुछ लैंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिसके पर हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का काम करते हैं तो हमें पता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक वो चाहिए होता है सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ठीक है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं तीन टाइप्स के होते हैं एक कंपाइलर होता है एक असेंबलर होता, होता है और एक होता है हमारा इंटरप्रेटर ठीक है इन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर्स बोलते हैं ठीक है ट्रांसलेटर्स बेसिकली क्या काम करते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर हैं तो ये काम करते हैं कि कंपाइलर क्या करता है इसे कोई एक कोड uh, लिखा होगा उसको क्या करेगा एक वन टाइम में उसको पूरे के पूरे मतलब सोर्स कोड को किस में करेगा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम है, करता है कौन हमारा कंपाइलर और असेंबलर क्या काम करता है असेंबलर करता है जो भी मेरी असेंबली लैंग्वेज होगी ठीक है जैसे हमारी एड होगी ठीक है मल होगी ठीक है एस टी आर होगी स्टोर करने के लिए विद सम रेफरेंस ठीक है एड्रेस का रेफरेंस तो ये सारी सारी असेंबली लैंग्वेज होती है तो इनको कौन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है करना काम करता है वो हमारा असेंबलर काम करता है ठीक है असेंबलर क्या काम करता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में उसके बाद आगे हमारा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट क्या काम करता है ये, जैसे कंपाइलर क्या करता है एक ही टाइम पे पूरा का पूरा कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है तो जो हमारा इंटरप्रेटर वो क्या काम करता है पहले एक लाइन को उसका मतलब मशीन कोड जनरेट करेगा फिर सेकेंड लाइन पर जाएगा उसका मशीन कोड जनरेट करेगा तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे ट्रांसलेटर होते हैं उसके बाद से हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम ठीक है हमारा क्वेश्चन आता है एलगोरिदम क्या होता है ठीक है एल्गोदम कहते हैं कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं ठीक है जो कि इसमें लिखी होती है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई लैंग्वेज जो नॉर्मल कोई पर्सन समझ सके ठीक है जैसे मुझे क्या करना है सम करना है दो चीजों को तो मैं क्या लिखूंगा टेक वन नंबर ठीक है पहले एक नंबर लो फिर टेक सेकेंड नंबर ठीक है फिर यहां पर मैं क्या बोलूंगा परफॉर्म ऑपरेशन ठीक है परफॉर्म ऑपरेशन करो ठीक है जैसे मतलब वन मतलब ये दोनों का स्टोर होगा, होगा तो लो किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रिजल्ट में क्या आएगा ए प्लस बी तो ये क्या है सारा का सारा एक एल्गोरिदम है कैसे कैसे कोई एक आ, कोई <coughs> सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है ठीक है हम उसके सारी के सारे स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको बोलते हैं हम एलगोरिज्म उसके बाद हमारा जो उन एल्गोरिथम को या फिर प्रोग्राम को लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं एक डिवेल्पर बोलते हैं या फिर एक प्रोग्रामर बोलते हैं तो हमारी सबसे पहली लैंग्वेज थी ठीक है लोवेस ने लिखी थी और जो उसका फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था जो इसके द्वारा लिखा गया था एडलोवेस के द्वारा ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स की होती है उस पर आई लगे मशीन लेवल लैंग्वेज तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो डायरेक्टली मशीन समझती है ठीक है जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में ठीक है जीरो वन जीरो वन की जो भी फॉर्म में कुछ लिखी होगी स्टेटमेंट वो डायरेक्टली मशीन समझती है तो उसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज ठीक है उसके बाद इसमें क्या होता है क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है तो इसमें हमें ये पता लग समझ आ रहा है कि इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की यहाँ इट डज नॉट नीड ट्रांसलेटर ठीक है ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है ट्रांसलेटर मैंने बता दी कौन से? एक कंपाइलर हो 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 गया एक हो गया एक हो गया असेंबलर इंटरप्रेटर इनका मैंने तीनों का फंक्शन बता दिया कैसे कैसे काम करते हैं और मशीन लेवल अगर अगर आपको कोई बोले जीरो लिखो ऑडिशन का तो वो कितना डिफिकल्ट होगा नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये प्रॉब्लम थी मशीन लेवल में इसमें कोड लिखना थोड़ा न, जैसे हमें हाई लेवल लैंग्वेज में एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस है ठीक है अगर आपको कोई जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में कोई इक्वेशन बोला लिखने के लिए उसको सॉल्व करे तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा ठीक है तो ये क्या होती है थोड़ी ईजी नहीं होती लर्न करने के लिए और इम्पलीमेंट करने के लिए ठीक है उसके बाद हमारी इसकी एडवांटेज क्या है इसकी एडवांटेज यही है कि जीरो वन जीरो वन की फॉर्म है डायरेक्टली तो इसके लिए हमें कोई एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर वन पे नंबर टू पे क्या है जो भी हमारा सिस्टम है ठीक है सी वो क्या करेगा बहुत फास्ट वर्क करेगा ठीक है क्योंकि इसको डायरेक्टली जो भी इनपुट मिलेगी वो जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में मिलेगी तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट परफॉर्म करेगा और इजीली उसको मतलब इंप्लीमेंट कर पाएगा मशीन में डिसएडवांटेज क्या है वो ये कोई इंसान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको प्रोग्राम करना ठीक है प्रोग्राम को हर एक हार्डवेयर की मतलब पूरी की पूरी नॉलेज चाहिए इस चीज़ के लिए हार्डवेयर की जीरो उसको पता नहीं कौन सा हार्डवेयर कौन से सिग्नल पे कौन सी बिट प्रोड्यूस करेगा ये कौन सा मतलब हाई लेवल मतलब लो मतलब कौन सी उसमें लेवल पे चलेगा ठीक है जीरो वन जीरो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हर एक हार्डवेयर की कि कौन सा हार्डवेयर किस इनपुट पे क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है जैसे हमने गेट्स वगैरह पढ़े थे ठीक है गेट्स में क्या होता था जैसे नॉट गेट ले लो नॉट नॉट क्या करता है इनवर्ट करता है अगर आप जीरो को करोगे वो किसमें आपको रिजल्ट देगा वन में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ठीक है इन्वर्ट करने का काम करता है तो उसको इन सभी चीज़ों की पूरी की पूरी नॉलेज चाहिए जिसको भी इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करनी है उसके बाद उसका थोड़ा बेटर वर्जन आया उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं जो हमारे बाइंडी कोड ना लिखते हुए हम क्या करते हैं सिम्बोलिक या फिर निमोनिक कोड को लिखते हैं इसका मतलब क्या हो गया सिम्बोलिक जैसे मुझे एडिशन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एड लिखूंगा और यहाँ पे एक रजिस्टर का नाम दे दूंगा जिसमें मेरा सेकंड ऑपरेंट स्टोर होगा ठीक है तो इससे क्या हुआ अब ये नॉर्मल पर्सन को समझ समझ आ रहा है कि ये ऐड क्या काम करेगा ये काम करेगा किसी एडिशन ऐड बी का एग्जैक्टली इसको हम पूरा का पूरा ओपन करें तो ये क्या काम करेगा ए प्लस बी एड बी इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा ये काम करेगी और जो ये ए है इसको हम क्या बोलते हैं एक्यूमलेटर बोलते हैं ठीक है इसको स्पेशल रजिस्टर बोलते हैं ये ये करता है जो भी इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा ठीक है मान लो टू प्लस फाइव कर रहे हैं हम तो जो टू है वो सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा उसके बाद जो बी होगा मतलब जो रजिस्टर उसको हमने बी उसमें सेकंड जो ऑपरेंट है उसको हमने बी रजिस्टर में स्टोर कर दिया तो अब हम सिंपली ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे एड बी तो एड बी क्या काम करेगी ए प्लस बी का नया काम करेगी ठीक है तो ए में पहले से क्या टू पड़ा है और बी में क्या है फाइव बी तो टू प्लस फाइव कितना आएगा सेवन तो जो सेवन फर्दर आएगा वो कौन सा फोन होल्ड करके रखेगा अपने पास ठीक है तो ए के पास करंटली कितनी वैल्यू पड़ जाएगी तब तक हम इसको एस टी आर इंस्ट्रक्शन से कहीं स्टोर ना कर दे मान लो मेरे पास कोई लोकेशन पड़ी है टू थाउजेंड एच करके तो मैं क्या करूंगा एस टी आर स्टोर करो टू थाउजेंड एच पे ठीक है मतलब जो भी मेरा रिजल्ट उस वक्त एक्यूमीटर में पड़ा होगा ना वो कहाँ पे चला जाएगा इस लोकेशन में चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या चला जाएगा इस लोकेशन में जो मेरा सेवन आया था ठीक है तो ऐसे ऐसे ये क्या होती है थोड़ी असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं इसको ठीक है इसमें हम जो से निमोनिक्स और सिम्बल जैसे मैंने ये बोलते हैं एड हो गया ठीक है मल हो गया एस टी आर हो गया ठीक है एस टी आर वगैरा ठीक है फिर एक होती है स्टोर uh, का हो गया ठीक है फिर जैसे एस टी आर वगैरह ये हो गया ठीक है एड मल एस टी आर ठीक है स्टोर करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के निमोनिक्स होते हैं जैसे सब हो गया ठीक है ये क्या है सारे के सारे निमोनिक्स कि हम इनका यूज करते हैं एज कम्पेयर टू हमने जीरो वन जीरो वन का जो हम मशीन लेवल में यूज करते थे वो नहीं यूज किया अब हम यहाँ पे यूज करते हैं सब एडमल ठीक है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ गया हमें ठीक है अब हमने क्या यूज करी असेंबली लैंग्वेज ठीक है तो अब हमें इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है हमें जरूरत पड़ती है असेंबलर की ठीक है असेंबलर क्या करता है जो भी निमोनिक्स वगैरह होंगे इनका जो बाइनरी फॉर्मेट होगा जैसे मान लो इसका एड का ही है बाइनरी फॉर्मेट तो क्या करेगा इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सीपीओ के पास देगा ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए उसके अकॉर्डिंग ठीक है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जैसे ये क्या करते हैं यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर क्या एक प्रोग्राम है ठीक है जिस ट्रांसलेटर क्या करता है एक प्रोग्राम है जिसको हम क्या बोलते हैं असेंबलर ट्रांसलेटर मैंने बता दिए तीन तरह के होते हैं ठीक है और ये कौन सी जनरेशन का होती है असेंबली लैंग्वेज हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको असेंबली लैंग्वेज को उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा उसका नेक्स्ट जैसे आ गया हमारा एडवांटेजेस क्या है इसके असेंबली लैंग्वेज की कि ये इजी टू यूज अंडरस्टैंड है टू मॉडिफाई है ठीक है इसमें एड्रेसेस को ट्रैक करना Uh, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसमें एड्रेस डायरेक्टली उस इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा होता है तो हम ईजिली इसको ट्रैक कर सकते हैं फिर ईजिली रीलोड रीलोडेबल होता है कि हम उसको ईजिली रीलोड कर सकते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होता है क्योंकि okay, असेंबलर क्या होता है असेंबलर होता है मशीन इंडिपेंडेंट ठीक है मशीन सॉरी मशीन डिपेंडेंट होता है ठीक है मशीन डिपेंडेंट का मतलब मान लो कि uh, मैं उसको चला रहा हूँ मैक में चला रहा हूँ ठीक है या फिर मैक और विंडो ले लेते हैं ठीक है दो अगर मैं मैक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ वो कोड तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक के ऊपर ही रन करेगा विंडो के ऊपर रन नहीं करेगा वो ठीक है तो ये इसकी क्या एक ड्रॉबैक है ये क्या है मशीन के डिपेंडेंट होता है ठीक है मशीन के अकॉर्डिंग उसका एक असेंबलर होगा और वो उसके डिपेंडेंट होगा और इसमें भी क्या है थोड़ी बहुत हार्डवेयर की नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है और मशीन लेवल कोडिंग की भी ठीक है जैसे मैं उसमें तो पूरा जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में लिखते थे पर इसमें क्या है अब इसको ना लिखते हो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे एडिशन के लिए ऐड लिखेंगे बस इसमें ये थोड़ा सा फायदा हो गया पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं असेंबलर बोलते हैं उसके बाद आगे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आ गया हमारा ठीक है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है यूजर फ्रेंडली होती है ठीक है इसका मतलब है कि जो हमारे ह्यूमन है वो उसको ईजिली कोड कर सकते हैं पर इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कंपाइलर की जरूरत पड़ती है ठीक है कंपाइलर क्या एक ट्रांसलेटर है ठीक है बार पूछ लेते हैं कि कंपाइलर क्या एक तो ये क्या ट्रांसलेटर है वो क्या काम करता है ट्रांसलेट करता है किसी भी इसको क्या बोलते हैं जो ह्यूमन क्या दिख लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड ठीक है जो भी सोर्स कोड होगा इसको कन्वर्ट करेगा किस में ऑब्जेक्ट कोड में ठीक है ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली क्या होता है जो भी हमारा मशीन ऑब्जेक्ट कोड बोल लो या फिर इसको मशीन कोड बोल लो ठीक है मशीन कोड होता है जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में होगा और सोर्स कोड क्या होगा जो भी हमने ह्यूमन ने लिखा होगा जैसे सी लैंग्वेज में लिखा होता है जैसे मतलब प्रिंट प्रिंट एफ एफ स्टेटमेंट लिखी होती है है ठीक करके फिर पे कुछ स्टेटमेंट लिखी होंगी तो इसको बंद किया होगा तो ये इस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या किस में आती है, सारी है ये सारी क्या रही सोर्स कोड में आती है तो जो इसका जो फॉर्मेट बनेगा जीरो वन जीरो वन की फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होती है कुछ सिंटेक्स वगैरह होते हैं ठीक है ये और ये क्या होती है इसकी एडवांटेज क्या होती है मशीन की इंडिपेंडेंट होती है कि आपने एक बार उसमें कोड लिख लिया और उसका जो ऑब्जेक्ट कोड बन गया ना ठीक है उससे जो सोर्स कोड का ठीक है सोर्स कोड का अगर ऑब्जेक्ट कोड बन गया ऑब्जेक्ट कोड क्या बोलते हैं मशीन कोड बोलते हैं तो वो मशीन कोड हर मशीन के ऊपर चल पड़ेगा ठीक है चाहे वो लिनक्स uh, हो चाहे वो मैक हो ठीक है चाहे वो विंडोज हो तो उन सभी पे सभी के ऊपर क्या करेगा वो वर्क करेगा तो जहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है ये ट्रांसलेट क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज ठीक है जो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कंपाइलर बोलते हैं ठीक है कंपाइलर का ये होता है कि वो पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे को मतलब प्रोग्राम को एक ही बारे में कंपाइल करता है ठीक है कंपाइल करने के बाद वो हमें क्या करता है ऑब्जेक्ट कोड देता है और कई बार पूछा जाता है कि हम एरर वगैरह फाइंड करते हैं जैसे मान लो मेरे इस प्रोग्राम में कुछ एरर है तो उसको हम फाइंड किससे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डिबगिंग ठीक है कि फाइंडिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज डिबर्गिंग इसको ध्यान में रखना है एक बार पूछा जा सकता है उसके यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के फोर्टन हो गया लिस्प हो गया एल्गोल हो गया पासकल हो गया बेसिक हो गया सी सी प्लस प्लस जावा ठीक है जावा पाइथन मतलब बहुत सारी हैं पी मतलब बहुत सारी लैंग्वेज हैं ठीक हाई लेवल लैंग्वेज में उसके बाद किसकी एडवांटेज लिखी है कि वही सबसे पहले मशीन इंडिपेंडेंट होता है कि अगर एक, एक बार उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया वो हर मशीन के ऊपर मतलब ईजिली रन हो जाएगा प्रोग्राम उसके बाद ईजी टू लर्न एंड यूज है फिर इसमें जो एरर वगैरह वो काफ़ी कम आते हैं और ईज़िली हम उसके एरर को फाइंड कर सकते हैं उसके बाद क्या इसमें डिस सारी की सारी एडवांटेज आ गई इसमें ठीक है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि लोअर प्रोग्राम प्रेपरेशन कोर्स पड़ती है बेटर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसका इजी टू मेंटेन कर सकते हैं अब इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं जो एफिशिएंसी होती है ना वो लो हो सकती है उसमें और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है ठीक है तो ये क्या है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसका यहाँ पे कुछ पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज लिखी हैं जैसे फोर्टन हो गया लिस्प हो गया तो फोर्टन क्या है सबसे पहले ये फार्मूला ट्रांसलेशन है इसकी जो फुल फॉर्म है और ये किसने डिवेल्प की थी ये पूछ जाता है कि ये बार आई बी एम ने ठीक है आई बी एम की फुल फॉर्म भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और ये क्या है सबसे फर्स्ट ठीक है सबसे फर्स्ट क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है ये ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज सबसे फर्स्ट तो ये किस में आती है इंपॉर्टेंट में आती है उसके बाद आगे हमारी लिस्प ठीक है लिस्प क्या होती है हमारी लिस्ट प्रोसेसिंग होती है ठीक है लिस्ट प्रोसेसिंग होती है ये कि हमारी जो सेकंड नंबर पे जो लैंग्वेज बनी थी फोर्टन के बाद वो कौन सी थी हमारी लिस्ट थी ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है लिस्ट प्रोसेसिंग और ये कि हमारी सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है कहीं ये पूछा होता है कि किसने डिवेल्प की थी तो जॉन मैकली ने ठीक है नाइनटीन में इसको डिवेल्प किया था ठीक है और जो ये सबसे पहले पूछा जाता है कि उसके बाद आई एल आई एस टी ठीक है लिस्ट किसने किसके लिए डिज़ाइन की थी जो हमारा ए का था ना सबसे पहले जो कंसेप्ट चला था ए वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उसके लिए यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज थी सी एल्ट सबसे पहले उसके बाद इसकी जो कुछ इस एक्सटेंशन वगैरह पूछी जाती हैं डॉट एल आई एस पी डॉट एल एस पी डॉट सी एल डॉट एल और डॉट एफ ए एस एल तो ये क्या है सारी की सारी इसकी एक्सटेंशन है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ठीक है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लैंग्वेज आ गई उसको हम बोलते हैं एल्गोल बोलते हैं ठीक है एल्गोल का मतलब कि ए एल सी क्या एलगोरिज्म और ठीक है एल्गोल का मतलब फुल फॉर्म यही होती है कि एलगोरिज्म लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है एलगोलिज्म लैंग्वेज तो ये क्या हमारी इम्पेरिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको पूछा जाता है कि डिवेल्प कब किया था नाइनटीन फिफ्टी एट में इसको डिवेल्प किया था ठीक है एल्गोल को और ये क्या हमारी फर्स्ट जनरेशन की जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना उसमें आती है ये हमारी एल्गोल उसके बाद कोबोल तो काफ़ी फेमस है कॉमन बिजनेस और लैंग्वेज ठीक है ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कोबोल का और इसको ये पूछा जाता है कि किसने डेवलप किया था ठीक है ग्रेस ने इसको डेवलप किया था ग्रेस मुरे होकपर ने तो ये क्या है सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग ऑरेंटल लैंग्वेज है ये पूछा जाता है यहाँ पे इसमें कोबोल में कोबोल की हमारी सबसे पहली जो स्ट्रिंग ऑरिएटल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी हमारी कोबोल तो ये किसके लिए बेसिकली बनाई गई थी इसका पर्पज़ क्या था जो हमारा बिजनेस वगैरह या फाइनेंस वगैरह का इनको इन्हासमेंट करने के लिए ठीक okay? है इनके जितने भी प्रोजेक्ट होते थे वो कोबोल से लिखे जाते थे इसमें कुछ एक्सटेंशन होती है उसको मतलब एक्सटेंशन पता ही हमें उस चीज़ को डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए तो उसकी क्या होती है डॉट सी बी एल डॉट सी ओ बी डॉट कॉपी करके ये सारी किया इसके एक्सटेंशन है उसके बाद हमारी बेसिक तो बेसिक स्टैंड क्या करती है हमारी बिगिनर्स ऑल परपस ठीक है सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन को ठीक है ये इसका क्या है इसकी फुल फॉर्म है तो बेसिक क्या है हमारी डिवेल्प की की गई थी जॉन जी कैनी के द्वारा और थॉमस ठीक है ये इनके नाम याद रखना जॉन और थॉमस के द्वारा इसने डिप की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें बेसिक कब की गई थी 1964 में उसके बाद हमारा आ गया पास्कल तो पास्कल ये पूछा था किसने डिवेल्प किया था वो किसने डिप किया था निकलस ने डिवेल्प किया था नाइनटीन सेवेंटी के आसपास ठीक है और ये कौन सी हमारी ये कई बार ये पूछा था ये इंपॉर्टेंट आती है पास के लिए के ये इंपेरेटिव एज वेल एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ठीक है तो ये इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई उसके बाद लोगो आ गया हमारा ठीक है लोगो भी एक लैंग्वेज है वो 1960 में ठीक है ये किसके लिए बेसिकली था जो हमारे लोगोज वगैरह नहीं बनते थे जो हमारे उनके लिए था ये लोगो लैंग्वेज थी किसान हम क्या है लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं उसके बाद आगे हमारी सी लैंग्वेज ठीक है ये डेनिस रिची के दौरान बनाई गई थी 1972 में में बेल ठीक है तो ये क्या हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है है इम्पेरेटिव कंप्यूटर लैंग्वेज है ठीक है ये सारा ये सी इंपोर्टेंट में आ गई उसके बाद आ गई हमारी पाइथन देखिए तो पाइथन क्या है एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है इंटरप्रेटर मैंने बता दिया कि वो क्या करता है लाइन बाय लाइन उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है उसका ये कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी जर्नल पर्पज फॉर ग्रामिंग लैंग्वेज है ये पूछा था किसके द्वारा बनाई गई थी थी गाड़ी वैन रसम के द्वारा बनाई गई थी नाइनटीन में रिलीज हुई थी ठीक है तो ये क्या है इसके थोड़े इंपॉर्टेंट वो हैं पाइथन के कंसेप्ट इनको माइंड में रखना उसके बाद हमारी जावा स्क्रिप्ट आ गई ठीक है जावा स्क्रिप्ट क्या होती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं उसको ठीक डायरेक्टली पूछेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है ठीक है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती है तो वो होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट और पी एच पी क्या होती है हमारी सर्वर साइड ठीक है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको भी पाइथन को भी सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं ठीक है जो हमारे सर्वर के ऊपर बेसिकली इंप्लीमेंट सर्वर में वो कोडिंग की होती ना सर्वर की वो इनके द्वारा की गई थी पाइथन हो गया पी एच पी हो गया ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट आ गए फिर उसके बाद पूछा था कि जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन कौन था ठीक है तो उसका जो फर्स्ट वर्जन था पाइथन ओ पॉइंट नाइन पॉइंट हो ठीक है ये इसका फर्स्ट वर्जन था और एक पूछा है करंटली कौन चला है तो करंटली हमारा पाइथन का थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट सॉरी थ्री वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन ठीक है करंटली ये चला है पाइथन का तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एग्जाम में उसके बाद इसका जो सिंटेक्स है ठीक है पी का ठीक है ये कुछ ऐसे करके स्टार्ट होता है फिर यहाँ पे पी फिर उसके अंदर हम इसकी जो भी कोडिंग है वो लिखते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं इसको क्लोज करते हैं ठीक है इसको ओपनिंग है, बोलते हैं और इसको क्लोजिंग बोलते हैं तो ये कुछ बेसिक है उसके बाद आ गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज ठीक है ये क्या है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ठीक है सी प्लस ओप्स की लैंग्वेज है ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी ये पूछा था किसके द्वारा बनाई गई थी तो हमारे बाजार ने स्टॉप स्टिप्स था इसने बनाए थे इसका जो एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं सी पी पी बोलते हैं ठीक है डॉट सी पी पी इसकी एक्सटेंशन होती है और उसके बाद आ गया हमारी जावा तो जावा भी क्या हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है और किसके द्वारा बनाई गई थी ये पूछा जाता है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाई गई थी नाइनटीन नाइनटी वन में जिसको किसने एक्चुअल में जो लीडर कौन था उनका ठीक है लीडर पूछे जाते हैं बेसिकली लीडर कौन सा था हमारा जेम्स ठीक है जेम्स गोसलिंग कौन था इसका लीडर था ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में उसके बाद आ गया स्नो uh, बॉल हो गया ठीक है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज है ठीक है ये भी और uh, लेट 1962 सिक्सटी टू इनके आस बनी है ठीक है ए टी एन टी बेल लैब्स में उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा लैंग्वेज और इनके ये फाउंडर ये इंपॉर्टेंट है जैसे बेसिक का हो गया जॉम्स गैनियर थॉमस ठीक है जावा का हो गया जेम्स कोसलिंग सी का डेनिस सी प्लस प्लस का ने पाइथन का गॉडी ऑफ वेस्ट रसम पी एच पिक इसका रेसमस ठीक है पर्ल का लैरी ठीक है जावा स्क्रिप्ट का हमारा ब्रेडन एच हो गया रूबी का हो गया ये वायु क्यूरू ठीक है उसके बाद पास्कल का हो गया निकलस कोबोल का हो गया गैरी मोरिया होपर ठीक है स्विफ्ट का हो गया क्रिस लैटरन प्रोलोंग का हो गया एलियन ठीक है लिस्प का हो गया जोन ठीक है सिमूला का क्रिस्टन गो का हो गया कैन थॉम्सन और कोजू का हो गया ललित पंत ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी इनको एक बार आप देख लेना कि इनके ये किस मतलब लीडर के द्वारा या किस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था ठीक है या डिवेलप किया था इसको ध्यान में रखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया जैसे उसका हमारा गया सी हैश आ गया ठीक है ये इंपॉर्टेंट है सी हैश ठीक है तो ये भी क्या हमारी जनरल पर्पज लैंग्वेज है ठीक okay. है मल्टी पैराडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको कई बार इस पर पूछा जाता है कि मल्टी पैराडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से तो हमारी सी हैश बोलते हैं उसको ठीक है और ये मतलब इसमें ये क्या और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये ओप्स के ऊपर बेस है कि नहीं है ठीक है तो ये किस पे ऊपर बेस है ओप्स के ऊपर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम आगे देखेंगे कि ओप्स और नॉर्मल प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है जब हम लैंग्वेज का कंसेप्ट देखेंगे उसके बाद ये हमारी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर या आई के द्वारा बनाई गई थी उसका हमारा विजुल बेसिक है ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूज़ की जाती है काफ़ी ठीक है कि किसके ऊपर वेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर वेस है और किसके द्वारा बनाई गई थी तो विजुअल बेसिक किसके द्वारा बनाई गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई थी ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इसके बाद आगे कि ये कौन से मतलब कॉम्पोनेंट को यूज़ करता है ठीक है तो इसका जो कम्पोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इसको यूज़ करता है ठीक है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें विजुअल बेसिक में इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं उसके आ गया वी डॉट नेट ठीक है तो वी डॉट नेट क्या था जो उसका सबसे विजुल बेसिक का जो सबसे ओल्डेस्ट वर्जन था ना उसको बोलते हैं वी डॉट नेट ठीक है इंटरनेट के लिए ठीक है ये क्या करते हैं कि पावरफुल था डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंट टूल्स में ये शामिल किया गया था वी डॉट नेट उसके बाद हमारा आ गया कंपाइलर तो कंपाइलर मैंने बता दिया ये क्या करेगा पूरा का पूरा एक कोड होगा मान लो एक प्रोग्राम है इसको क्या करेगा आ, क्या बोलते हैं कंपाइलर क्या करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर इसको आप मशीन कोड बोल लो ठीक है आपको समझ नहीं आएगा तो इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड नहीं तो मशीन कोड अरे कंप्यूटर मतलब उसमें पूछा एग्जाम में पूछा तो एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड पूछाता है मशीन कोड नहीं लिखा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड लिखा होता है ठीक है ऑब्जेक्ट कोड का मतलब वही होगा कि जीरो वन जीरो के उसमें फॉर्मेट में होगा वो उसको क्या हो जाएगा असेंबलर असेंबलर मैंने बता दिया जो भी असेंबली लैंग्वेज होगी ठीक है ऐड हो गया सब हो गया तो इन सब इन सभी इंस्ट्रक्शन का जो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा ठीक है तो वो कौन कन्वर्ट करता है असेंबलर करता है कन्वर्ट और इंटरप्रेटर मैंने बता दिया इंटरप्रेट क्या करता है कि मान लो ये मेरे कुछ प्रोग्राम है इसमें कुछ ऑफ स्टेटमेंट लिखी है ये मैंने ठीक है तो जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी तो ट्रांसलेटर इसके इंटरप्रेट क्या करेगा सॉरी ये करेगा इसको लोएगा और इसको कन्वर्ट करेगा इसमें बाइनी फॉर्मेट में ठीक है उसका सेकंड लाइन इंस्ट्रक्शन लेगा फिर इसको कन्वर्ट करेगा मतलब वन बाई वन बाई वन करके ऐसे ऐसे करके उसको मतलब वो करेगा एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को इंटरप्रेटर ठीक है उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ गया तो प्रोग्रामिंग क्या होता है जैसे हम प्रोग्रामिंग का मतलब कहते हैं हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जिसको द्वारा कोई टास्क परफॉर्म होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की हमने प्रोग्रामिंग कर ली तो ये दो तरह की होती हैं प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर मतलब पाथ को फॉलो करते हैं प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जैसे मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये फिर ये फिर ये फ्री थी। ठीक है मतलब एक प्रोसीजर में चलेंगे तो प्रोसीजर दो तरह की हो सकती है या फिर टॉप से बॉटम चलें या फिर बॉटम से टॉप चलें ठीक है बॉटम से टॉप चलें ठीक है इसको बोलो टॉप टू बॉटम इसको बोलो बॉटम टू टॉप ठीक है दो तरह की मतलब ये होती हैं प्रोसीजर लैंग्वेज होती हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रोसीजर लैंग्वेज को फॉलो करती हैं तो सबसे जो बेसिक और इम्पोर्टेंट है सी हो गया ठीक है और बेसिक हो गया पास्कल हो गया फोटन हो गया ये सारी की सारी क्या है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर आती हैं कि क्या करें पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करेंगी वो फिर उसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करता है कि वो यूज़ करता है कंसेप्ट का क्लास और ऑब्जेक्ट का ठीक है ये ओप्स का उसकी ओप्स के ऊपर बेस है ये सारी की सारी तो कौन सी लैंग्वेज उसमें तो सी प्लस प्लस पाइसन होगी सी हैश होगी ठीक है सिमूला होगी जावा होगी ये सारी की सारी क्या, क्या करती है ऊप्स के ऊपर बेस है ठीक है तो यह करते जो हमारा डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ठीक है जो हमारे ऊपस के अंदर ये हम आगे पढ़ेंगे ना ठीक है हम प्रोग्राम वगैरह को डिवाइड करेंगे कुछ करेंगे तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है ये पूछा जाता है ऑब्जेक्ट के मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक कुछ डाटा होता है और एक फंक्शन होता है या उसको आप कोड बोल लो अभी के लिए ठीक है डाटा और कोड होता है वो किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ठीक है ये कुछ ऐसे ऐसे बेसिक हैं जो पूछे जा सकते हैं ठीक है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन से मतलब फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर होता है और जावा में हम किसके द्वारा क्रिएट करते हैं तो उनके बाद न्यू न्यू कीवर्ड लिखा होता है ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जा सकती है उसका करेक्टरिस्टिक क्या है एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो वो क्या है सबसे पहले सिंपल होना चाहिए अब्सट्रक्शन फॉलो करना चाहिए नेचुरल होना चाहिए कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए ठीक है सूटेबल होना चाहिए एक्सिस्टेंसिबिल एंड लोकेलिटी होना चाहिए सारी किसी सारी क्या है कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है ऊप लैंग्वेज की उसका जगह कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है कंप्यूटर कोडिंग में वो ये कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे ठीक है कुछ इंस्ट्रक्शन को ये लिखे इट इज यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गिव कंप्यूटर एंड मशीन इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट एक्शन टू बी परफॉर्म ठीक है वो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर कोडिंग उसके बाद फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट क्या होता है जैसे मैंने आपको एलगोविजम बताया था एलगोविजम में क्या करते हैं हम कुछ आ, मतलब किसी प्रोग्राम को हम इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश में लिखते हैं ठीक है अब फ्लो चार्ट में क्या करेंगे फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे इसी चीज की डायग्राम बनाएंगे ठीक है मान ये मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पे यहाँ पे मैं स्टार्टिंग देता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी ये थोड़ा इस इस एंगल पर होती है ठीक है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इनपुट ले रहा हूँ ठीक है यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट कोई दो वेरिएबल ठीक है ए कोमा बी ले लेता हूँ ठीक है तो दो वेरिएबल के अंदर डाटा आएगा उसके बाद मैं फर्दर क्या करूँगा यहाँ पे uh, इनका वो कर लूँगा ऑपरेशन कर लूँगा ठीक है इनका मैं कर लूँगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है तो सी के अंदर क्या आएगा इन दोनों का रिजल्ट आएगा ठीक है और फिर सबसे लास्ट में क्या करूंगा इसको मैं स्टॉप कर दूंगा ठीक है तो ये क्या होता है इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट की मतलब हम क्या करेंगे स्टेटमेंट ना लिखते हुए हम क्या करेंगे एक एक तरह का उसको डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट कि कैसे कैसे फ्लो कैसे कैसे चल रहा है जैसे पहले आएगा स्टार्ट में वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फिर सबसे पहले मैंने ये बोलता है ये पनी ट्रेपोजियम का सिंबल बोलते हैं इसको ठीक है इस तरह का सिंबल होता है तो इसमें क्या करते हैं हम इनपुट लेते हैं दो वैल्यूज को इसमें मैंने बताया इनपुट लेना था उससे पहले तो ए और बी की इनपुट ले ली उसके बाद फर्दर तीसरा स्टेप किया वो मैंने इन दोनों का जो भी रिजल्ट था उसको सी के अंदर स्टोर कर लिया फिर उस, उसके बाद फर्दर इसको मैंने लास्ट में स्टॉप कर दिया ठीक है इस इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखे जाए फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम ठीक है जो रिप्रेजेंट करता है किसी वर्क फ्लो और प्रोसेस को क्योंकि वो कैसे कैसे वो चल रहा है स्टेप बाय स्टेप ठीक है उसके बाद आगे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं तो सिंबल डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग के लिए ये होता है और इनपुट लेने के लिए इस तरह का सिंबल होता है ठीक है और अगर कोई ओ, मतलब ऑपरेशन हो रहा हो तो इस तरह का ठीक है और अगर कोई वो होता है क्या बोलते हैं किसी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो डायमंड का सिंबल आता है वहाँ पे ठीक है तो इस तरह के अलग अलग सिंबल होते हैं ठीक है ये ओवल का सिंबल किसके रहता है स्टार्ट और एंड के लिए ठीक है स्टार्ट और स्टॉप के लिए तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेट होते हैं सिम्बल्स होते हैं जो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उसके बाद आ गई हमारी एक उसके जैसे हमारी आ गई नेक्स्ट समरी आ गई ठीक है कि एल्गोरिदम क्या होता है वो भी बता दें स्टेप यूज होते हैं इसके हम क्या करते हैं कोई टास्क को लिखते हैं ठीक है इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में जिसको कोई नॉर्मल पर्सन भी समझ सके वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं फ्लो चार्ट हो गया उसी चीज़ को हम डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट इंटरप्रेटर क्या होता है कोई हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लोअ लेवल लैंग्वेज पर क्या करता है लाइन बाई लाइन ठीक है इसमें ये इंपॉर्टेंट है रिजर्व वर्ड क्या होते हैं रिजर्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते हैं जैसे मान लो कि सी लैंग्वेज में एक रिजर्व वर्ड है इंट ठीक है तो मैं इंट नाम का एक वेरिएबल नहीं बना सकता हूँ ठीक है वेरिएबल क्या होता है एक लोकेशन का नाम देना है मैंने ठीक है मान लो ये एक लोकेशन है रैंडम लोकेशन है ठीक है तो इसका मैंने अगर नाम देना हो तो मैं क्या करूँगा मैं बस अपने कोड में लिख दूंगा ठीक है ए कर दिया कुछ भी लिख दूंगा ठीक है मान लो मैंने ए लिख दिया तो ए क्या होगा अब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा कि ए इस इस दो हज़ार हमें तो याद नहीं रहेगा तो हमने क्या कर दिया उसका नाम ए कर दिया अपनी सहूलियत के लिए उसको याद रखने के लिए ठीक है तो इस तरह के जो रिजर्व वर्ड है ना इसको हम इन द फॉर्म ऑफ अपने मतलब वेरिएबल वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते मान लो हमने इंट और इंट कर कर दिया इसको तो ये हमें कम, एक जो कंपाइलर वो है इंटरप्रेटर वो हमें क्या करेगा एर दे देगा कि आप इंट को इंट क्या है आप इसको यूज नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद यहाँ पे जैसे ये लिखा है आ, रिजर्व वर्ड इज अ वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर ठीक है आइडेंटिफायर बोल या फिर उसको मैंने वेरिएबल बोला था ठीक है किसी वेरिएबल की जगह भी आप यूज नहीं कर सकते तो वेरिएबल के नाम को भी हम आइडेंटिफायर बोलते हैं उसके बाद जैसे किसी वेरिएबल का नाम हो गया फंक्शन का नाम हो गया लेबल हो गया की हो गया ठीक है ये सारे के सर के रिजर्व वर्ड में नहीं लिख सकते हम रिजर्व होंगे जो पहले की डिफाइंड होंगे उसके बाद उसका सूडो कोड सूडो कोड क्या होता है कि मतलब प्रोग्राम डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है ठीक है मतलब हम क्या थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग के जो सिंटेक्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करके कोड लिखा होता है उसका आएगा हमारा आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डाटा को हमने नाम देना है ठीक है जैसे मैंने क्या कर दिया इंट ए कर दिया तो ए क्या एक आइडेंटिफायर है ये क्या बताने का काम करेगा कि ए किस तरह का डाटा होल्ड करेगा इंटीजर टाइप का डाटा होल्ड करेगा उसका आएगा हमारा वेरिएबल वेरिएबल क्या होगा एक मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया मान लो ये एक कोई मेमोरी पड़ी है ठीक है वन थाउजेंड एच पड़ी है कोई मुझे नहीं पता कि सिस्टम उसको कैसे लेगा तो मैं क्या करूँगा बेसिकली मुझे क्या करना है मुझे एक लोकेशन चाहिए तो मैंने क्या कर दिया इंट ए ठीक है तो इंट जैसे ए मैं लिखूंगा इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे मैं इंट ए लिखूंगा तो ए करेगा ए ऑटोमेटिकली कोई भी लोकेशन होगी यहाँ पे वन थाउजेंड तो चाहे मान लो कोई भी लोकेशन होगी तो उसको क्या करेगा कोई सिस्टम अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा एक लोकेशन को लोगा लेगा उसका नाम उसकी जगह ए में वो मतलब ए को उसका नाम दे देगा ठीक है जैसे मतलब अभी ये वन थाउजेंड एच तो सिस्टम एक्चुअल में वन थाउजेंड एच स्टोर है पर जब हम उसको यूज़ करेंगे हम उसको ए के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जैसे हम इंट ए यूज़ करेंगे तो ये लोकेशन क्या करेगी किस तरह का डाटा होल्ड करेगी इंटीज़र तरह का ये क्या होता है मारा डाटा टाइप ठीक है ये क्या होता है मा डाटा टाइप अब ये करेगा इस इंटीज़र टाइप के डाटा को होल्ड करेगा यहाँ पे जैसे मान लो टेन ट्वेंटी थर्टी अगर यहाँ पे मैं ए बी सी डी कुछ लिखूंगा तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करेगा कि आप इंटीज़र टाइप के मेमोरी में करेक्टर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये क्या होता है वेरिएबल किसी मतलब लोकेशन को हमने नाम दे दिया उसके गई हमारा इंस्टेंट इन, कंट्रोल आ गई ये क्या होती है हमारी आ, टूल बॉक्स को कंटेन करने का काम करती हैं उसके अलाटल आ गए लिटल क्या होती है कि लिटर को हम बोलते हैं कॉन्सटेंट भी बोलते हैं ठीक है ठीके? जो मतलब एक बार वैल्यू हमने एक बार लिख दी ना तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके जैसे ट्रिप हो गया आ, ट्रिप हो गया जो हमारी स्मॉल स्क्रीन होती है मेजरमेंट के लिए उसको हम ट्रिप बोलते हैं एरे क्या हो गया कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा जैसे मतलब एग्जांपल ले लेता हूँ इंट ए करके और यहाँ पे डाल दिया मैंने सी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको मैंने ठीक है इंट ए फाइव अब ए फाइव का मतलब, int, int क्या, क्या मतलब है कि इंटीजर टाइप का डाटा लेगा अब ये क्या है ए फाइव ए फाइव का मतलब है कि अब मेरे पास क्या है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी मेरे पास क्या है पांच लोकेशन है किस फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म में पांच लोकेशन है तो ये क्या होगी वन थाउजेंड क्योंकि इंट कितना इंट कितना वो आगे हम देखेंगे इंट कितना होता है स्टोरेज लेता है टू बाइट लेता है तो ये करेगा वन थाउजेंड अगला कितना होगा वन थाउजेंड टू पे अगला कितना होगा वन थाउजेंड फोर पे स्टोर होगा अगला कितना होगा वन थाउजेंड सिक्स पे ठीक है तो मतलब तो टू टू का गैप होगा इनमें क्योंकि ये ये कितना है? बाइट लेगा मेमरी बाइट की तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाल दिया है ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ठीक है तो ए फाइव क्या होगा ए फाइव के अंदर कुछ ये डाटे पड़े होंगे ठीक है किस तरह का डाटा ये सारे के सारे इंटीजर डाटा है अगर मान लो मैं इनमें से किसी में ए बी सी डी डाल देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा एरर जनरेट करके दे देगा कि आप इसमें मतलब सिमिलर टाइप का डाटा नहीं डाल रहे हो आप इसमें पहले में इंट डाला है आपने और बाद में आप क्या कर रहे हो उसमें कुछ और स्टोर कर रहे हो ठीक है उसका आ गया इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप वो होती है मान लो आपने कोई एक ऐसा कोड लिखा ना वो बार 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 रन ही हो रहा है उसका कुछ स्टॉपिंग स्टेज ही नहीं है कुछ कंडीशन है ही नहीं जहाँ वो रुक जाए ठीक है एक होती है ना स्टॉपिंग स्टेज की जहां अपना टास्क खत्म किया और वो खत्म हो गया भाई ऐसा कोड है कि वो बार 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 चल ही रहा है चल ही रहा है ठीक है इनफाइनेट टाइम के लिए तो उसको बोलते हैं इन्फाइनेट लूप उसके आगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या होती है कुछ सिंटेक्स होता है ठीक है जैसे मतलब एक स्टेटमेंट ले, ले लेते हैं ठीक है सी के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो ठीक है तो ये क्या है इस चीज को हम क्या बोलते हैं एक स्टेटमेंट बोलते हैं इसी तरह मल्टीपल स्टेटमेंट से मिलकर क्या बनता है हमारा प्रोग्राम बनता है

मतलब स्टेटमेंट्स को हम मतलब एक फ्लो में चलते हैं ठीक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रोग्राम को उसको क्या बोलते हैं उसका प्रोसीजर बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा सब प्रोसीजर आ गया ठीक है सब प्रोसीजर क्या होती हैं जैसे जो हमें सॉरी ठीक है सब प्रोसीजर क्या होती हैं जो हमें कुछ रिटर्न वैल्यू ना प्रोवाइड करें ठीक है उसके बाद फंक्शन प्रोसीजर होती हैं जो हमें एक... फंक्शन क्या कुछ return, करे कुछ रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करे ठीक है उसके तरफ प्रॉपर प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्या होती हैं जो हमें रिटर्न करे और वैल्यू को असाइन करे किसी ऑब्जेक्ट में ठीक है ये किस किस में आती हैं सी प्लस प्लस और जावा वगैरह में आती हैं ये प्रॉपर्टी प्रोसीजर वगैरह उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा पैरामीटर आ गया पैरामीटर बोल लो या उसको हम आर्गूमेंट बोल लो ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं वैल्यूज़ को पास करते हैं किसी फंक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं उसके पैरामीटर हम आगे देखेंगे इन सभी को बग क्या होता है कि एरर होता है प्रोग्राम में डी क्या होता है उस एक प्रोसेस होती है इसके हम एरर को फाइंड करते हैं और रिजॉल्व करते हैं मॉड्यूल क्या होता है एक कंटेनर बोल लो ठीक है जिसके अंदर कुछ आपने कुछ चीज़ लिखी होगी उसको हम क्या बोलते हैं उसका मॉड्यूल बोलते हैं ठीक है ये कुछ बेसिक्स हैं उसका फंक्शन क्या हो गया फंक्शन हो गया कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का काम करता है ठीक है जैसे कोई ऐड फंक्शन हो गया ठीक है ऐड फंक्शन अंदर मैं ए और बी दे दूँ तो ये क्या करेगा ए और बी का कुछ होगा रिजल्ट ठीक है ए और बी को वो होगा ठीक है सॉरी ए और बी को एडिशन परफॉर्म करेगा उनके और वो रिजल्ट मुझे वापस प्रोवाइड करने का काम करेगा ठीक है उसका यूजर इंटरफेस हो गया यूजर इंटरफेस हो गया जहाँ पर मतलब यूजर कुछ चीज लिख सके या उसको कुछ आउटपुट प्रोवाइड होती है ठीक है वो सारे का क्या है यूजर इंटरफेस आ गया उसका ऑपरेटर आ गया ऑपरेटर क्या आता है जैसे मतलब प्लस क्या है ये एक ऑपरेटर है माइनस क्या है ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन क्या है ये ऑपरेटर है ठीक है ग्रेटर देन लेस देन ये सारे के सारे क्या होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं जो कि नहीं दो उनके बीच में काम करते हैं ऑपरेंट्स के बीच में तो ए और बी यहाँ पे क्या है ऑपरेंट्स का, का काम करने से फाइव प्लस सिक्स तो फाइव और सिक्स क्या है ऑपरेंट है जैसे मैथ्स में होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या documentation हो गया डॉक्यूमेंटेशन हो गया जो भी माना हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसकी कैसी वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम बोलते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे वो वर्क कर रहे हैं उसका सिंटेक्स आ गया सिंटेक्स क्या होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा किसी चीज़ का अगर आपको उस आप उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे तो आपको क्या करेगा एरर प्रोवाइड करने का काम करेगा ठीक है उसके जैसे फ्रंट एंड बैक एंड जो हमें यूज़र को दिखता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं बैक एंड होता है जो यूज़र को दिखता नहीं जो बैक बैक में होता है ठीक है तो ये सारे के सारे फुल स्टैक डिवेल्पर क्या होते हैं बहुत सारा का सारा मतलब फ्रंट एंड एंड और बैक एंड दोनों पे काम करता है उसको बोलते हैं फुल स्टैक डिवेल्पर बोलते हैं उसको ठीक है टोकन आ गया जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना किसी चीज़ की उसको हम बोलते हैं टोकन क्या okay, उसका ए पी आई आ गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आ गया ठीक है उसके आ गया सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो सर्वर के ऊपर रन होती है जैसे मैंने बता दिया पी एच पी हो गया पाइथन हो गया ये सारी की सारी क्या है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट होगी ठीक है ये इसमें आ गई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में उसका मैथड आ गया मैथड आप एक मतलब ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डिफाइन करते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बता दिया क्या होता है एक कोड होता है और एक डाटा होता है ऑब्जेक्ट इन दोनों को होल्ड करने मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये इन दोनों चीज़ों को होल्ड करता है कुछ कोड और कुछ डाटा को उसका कंस्ट्रक्टर हो गया कंस्ट्रक्टर एक मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल टाइप ऑफ सब रूटीन है जो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को मैंने पहले बता दिया ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया क्रिएट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं इनकेप्सुलेशन क्या हो गया इनकेप्सुलेशन जैसे मतलब मान लो एक जैसे हम सभी ने कैप्सूल देखा हो कैप्सूल के अंदर बहुत सारे वो छोटे-छोटे मतलब वो दाने वगैरह किए होते हैं, तो ये सारे के होते हैं। तो इन क्या होता है कि? बहुत सारे, मतलब, और, मतलब, सारा, हो और, सारा डाटा होगा उसको हमने क्या किया होगा एक मतलब एक कैप्सूल के अंदर फॉर्मेट कर दिया होगा मतलब उस, उस हम क्या बोलते हैं इनकेशन बोलते हैं ठीक है डाटा विद ऑपरेट ऑन द डाटा और रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट कॉम्पोन एग्जाम्पल पब्लिक प्रोटेक्ट प्राइवेट इंटरनल एंड पर्सनल ठीक है ये सारे सारे क्या है इनकेप्सुलेशन में आते हैं ठीक है उसके आगे हमारा पॉलीमोर्फिजम पॉलीफॉर्मोर्फिजम क्या होता है कि जिस फंक्शन है ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसको हम क्या है? polymorphism बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसके बाद इनहेरिट इनहेरिटेंस हो गया इनहेरिटेंस क्या हो गया जैसे मतलब हम अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं ठीक है लेते हैं ठीक है चाहे वो अपना फेस कट हो चाहे मतलब अपनी आदतें हो कुछ भी हो तो उस चीज़ को हम इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन में यूज करते हैं इनहेरिट करते हैं कि अपने जो ऊपर वाली क्लास होगी ठीक है मतलब ऊपर वाला कोड होगा उससे हम कुछ चीज़ इनहेरिट करेंगे अपने नीचे वाले कोड में उसको तो बोलते हैं इनहेरिटेंस मेथड मतलब ओवर राइडिंग क्या होता है कि मतलब अपनी जो आ, एक क्लास बना दी ठीक है मतलब एक एक ही एक, 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 एक इसको आप क्लास बोल लो एक ठीक है एक क्लास बना लो तो इसी क्लास का जो एक नाम होगा ना उसको हम और नीचे भी यूज कर सकते हैं पर उसका जो डाटा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा ठीक है उस चीज़ को हम बोलते हैं मैथर ओवर राइडिंग वगैरह ठीक है method, जैसे हम आगे एग्जाम वो पढ़ेंगे सी प्लस तो वगैरह तब तो हमें सारे के कंसेप्ट क्योंकि ये सारे के सारे किसके कंसेप्ट है ओप्स के कंसेप्ट है उसके बाद आगे हमें ऑब्सट्रकशन ऑब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम किस चीज़ को हाइड करना चाहते हैं ठीक है ऑब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस उस चीज़ को बोलते हैं का एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग उस तरह के जैसे मान लो कि टू डिवाइड बाई जीरो किसी पर्सन ने टू डिवाइड जैसे मतलब मैंने कोई कोड लिखा है डिवाइड करने का कि आप दो नंबर को डिवाइड कर सकते हो तो कोई पर्सन कर रहा है टू डिवाइड बाई जीरो ठीक है तो टू डिवाइड बाई जीरो का एक एक्सेप्शन आ गया कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो मैं वहाँ पे रिजल्ट मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या करूंगा एक एक्सेप्शन दे दूंगा कि अगर कोई पर्सन किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करता है तो उसको बोल लो सॉरी इनफाइनेट या फिर कुछ भी बोल दो ठीक है कुछ भी जो मैं मैसेज यूजर को दिखाना चाहता हूँ वो दिखा सकता हूँ यहाँ से उसको तो एलगोरिदम मैंने बता दिया कि एक लॉजिक को लिखते हैं बस स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसके बाद तो सूडो कोड हो गया ठीक तो है होगा वह भी उसमें हम कोई प्रोग्रामिंग की प्लानिंग ही करेंगे पर इन द फॉर्म ऑफ उसमें थोड़ा बहुत कोड वगैरह भी लिखा होगा तो सूडो कोड में उसका जैसे हमारा नेक्स्ट आ गया सीक्वेंस लॉजिक वगैरह ठीक है उसके बाद जैसे हमारा आ गया सीक्वेंस लॉजिक सीक्वेंस लॉजिक में क्या होता है कि जैसे मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन क्या करेगी तीसरी लाइन मतलब इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस 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 कैसे वो वर्क करेगी ठीक उसको है उसको हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस लॉजिक बोलते हैं उसको तो यहाँ पे जो तीन बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है लॉजिक स्ट्रक्चर हो गया सीक्वेंस लॉजिक हो गया सिलेक्शन लॉजिक हो गया आइडेशन लॉजिक हो गया ठीक है ये सारे सर हम आगे देखेंगे इनको डिटेल में उसका तो हमारा कंपाइलर और कंपाइलर तो वही हो गया जो हमने पहले बताया कि उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज ठीक है उसका अगर लिंकर आ गया लिंकर क्या काम करता है कि जब हमारा क्या बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जब क्या करता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करता है और क्या करता है उनको कंबाइन करने का काम करता है जैसे हम सी में क्या करते हैं प्री प्रोसेसर के आपसे कोई फाइल वो इंक्लूड करते हैं जैसे मान लो मान लो ठीक है एस टी डी आई और डॉट एच ठीक है तो ये क्या तो एक फाइल है ठीक है हेडर फाइल बोलते हैं तो इस फाइल के अंदर बड़ी सारी कुछ लाइंस लिखी होंगी तो अब फिर मैंने यहाँ भी अपना कुछ कोड लिखा हुआ तो इसको और इसको आपस में लिंक करने का काम कौन करता है हमारा लिंक कर काम करता है ठीक है okay? जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग नहीं की है वो इस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रहे पर जिन्होंने कर की होगी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग तो वो समझ रहे होंगे कि लिंक कर कैसे काम करता है जो ये सारा का सारा कोड होता है हम तो मान लो मैंने ट्वेंटी लाइन्स लिखी हैं पर में जो मेरा ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है वो मर वो मर रहा है मेरा टू थाउजेंड लाइन का तो जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ठीक है एक्स्ट्रा नाइन्टी एट्टी लाइन्स है वो कहाँ से आई मेरे पास तो वो कहाँ से आई वो जो ये हेडर फाइल है ना एस टी डी आई डॉट एच इसके अंदर लिखी गई थी ये सारी की सारी लाइन जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट कोड बना ऑब्जेक्ट कोड बना ना तो उसकी एक्चुअल लाइन्स कितनी होगी टू थाउजेंड लाइन ठीक है क्योंकि इसमें कुछ हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी होंगी और उनको मैं अपने इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ जैसे प्रिंट हो गया ठीक है प्रिंट फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन कहाँ पर एक्चुअल में लिखा गया है तो इस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है ठीक है इस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है प्रिंट फंक्शन तो ठीक है तो इस, इसके लिए हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके बाद फर्दर आगे हाँ हमारा ठीक है लिंकर ऐसे ऐसे काम करता है लिंक कर रहे हैं काम करता है बेसिकली जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड लिंकर प्रोग्राम दैट टेक वन एंड मोर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाई ए कंपाइलर एंड कंबाइन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ठीक है कि कंपाइलर जो भी जैसे मान लो इसे मान लो ये एक ह्यूमन कर मतलब सोर्स कोड है इसको क्या किया ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया किसने हमारे कंपाइलर ने तो हमारा लिंकर क्या काम करेगा जो भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब हेडर फाइल्स होंगी जो उसका कोड होगा ठीक है उसको कंबाइन करेगा किसके इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ ठीक है ऑब्जेक्ट कोड प्लस ये एक्स्ट्रा जो लाइब्रेरी की फाइल्स हैं ऐड करेगा और कर जो फाइनल एग्जीक्यूटिव कोड होगा ना एक्सी कोड उसको जनरेट करने का काम करता है फिर वो लिंक कर हमारा ठीक है ओके थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेट डे कल से हम अपनी सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे थैंक यू